हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल अनुपमास किचन वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही टेस्टी होममेड बटर स्कॉच आइसक्रीम लेके आई हूँ। कलर ही आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा जैसे मार्केट से लेके आए हों। और खाने में तो इतनी डिलीशियस थी कि आप एक बार खाओगे तो मार्केट से लाना भूल जाओगे। और बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बेसिक से इंग्रेडिएंट हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वनीला आइसक्रीम में डे वन में जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, बिल्कुल वैसे ही बनेंगी, थोड़े से चेंजेस हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर से लेके आई हूँ मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध। मैंने कंट्री डिलाइट का लिया है, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब नीचे ही इसको हमने गैस पे नहीं रखा है, नीचे ही इसमें हम तो पूरा 1 लीटर मैंने पैन में डाल लिया है। अब हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हो। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर। अभी हमने गैस पे नहीं रखा है दूध को, नीचे ही हम ये सारा काम कर रहे हैं। मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर को ठंडे दूध में ही हमें एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लेना है, ताकि इसकी सारी गांठें खुल जाएं। और उसके बाद ही हमें इसे गैस पे रखना है, क्योंकि हमें ये काम ठंडे में इसलिए करना है क्योंकि अगर हम गर्म में करेंगे तो लम्ब्स पड़ जाएंगे और वो खुलेंगे नहीं। अब हमने इसको गैस पे रख दिया है और विस्कर से लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है, जब तक कि ये अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो ये देखिए, मैं लगातार चला रही हूँ और आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। और अब देखिए कितना अच्छा गाढ़ा होने लगा है हमारा दूध। ये सब कॉर्नफ्लोर की वजह से होता है, जल्दी ही हमारा दूध थिक होने लगता है। ये देखिए, मैं फिंगर से आपको दिखा भी रही हूँ कितने अच्छे से थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। शुगर कम ही डालिएगा क्योंकि हम इसे कंडेंस मिल्क भी डालेंगे तो मिठास बैलेंस हो जाएगा। और ये देखिए, थिकनेस काफ़ी अच्छी हो गई है गाढ़ी। इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने एक पैन को फ्रीजर में रख दिया था ठंडा होने के लिए, एकदम चिल है हमारा पैन। और इसमें हम 1 कप एकदम चिल व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिक विस्कर ले लिया है, उससे मैं इसको बहुत अच्छे से स्टिफ पीक आने तक विस्क करूँगी। और इतने इसको विस्क करना है जिस तरह से हम केक को डेकोरेट करने के लिए क्रीम को विप करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे विप करना है। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हमें स्टिफ पीक नहीं चाहिए, हल्के से स्टिफ चाहिए। देखिए उतना हमारा हो चुका है, अब हम इसको और विप नहीं करेंगे। अब हमने जो मिल्क वाला बेस बना के रखा था ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने विपिंग क्रीम में। हम अपना वो मिल्क वाला बेस इसमें ऐड करेंगे। साथ ही मैंने ये जो कंडेंस मिल्क बनाया था, 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। अब इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मिल्क वाला बेस है और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी क्रीम के साथ। और ये बन गया है हमारा वनीला एसेंस वाला बेस। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस डालेंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आइसक्रीम का बेस रेडी है। चलिए अब तैयारी कर लेते हैं बटर स्कॉच बनाने की। तो यहाँ पैन में मैंने 1 कप शुगर लिया है, उसको पैन में डाल लिया है। ना कोई ऑयल डाला है, ना ही कोई पानी, बस ऐसे ही हमें चीनी को मेल्ट होने तक कुक करना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए हमें अपनी चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है, आप मुझे फटाफट से कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, धीरे धीरे हमारी सारी शुगर मेल्ट होने लगी है। जैसे ही सारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच
बटर ऐड करेंगे, इससे हमारा बटर स्कॉच का जो बैटर है बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो गया। अब फटाफट से हमने यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट को क्रंच करके रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके, तो मैंने यहाँ काजू और बादाम का यूज़ किया है। तो यहाँ मैं काजू और बादाम के चंक्स अपने इस मेल्टेड शुगर में डाल दूंगी और फटाफट से हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक घी से ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे इमीडिएटली। अगर आप इसे ज़्यादा कुक कर दोगे तो हमारा ये बटर स्कॉच का जो क्रंच है वो ना थोड़ा कड़वा सा टेस्ट करने लगेगा, तो इसको फटाफट से ये करना है। और ये थोड़ी ही देर में सेट होके तैयार हो जाता है। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और एक पॉली बैग में मैंने उसको डाल के इस तरह से उसकी कुटाई पिटाई करके उसको छोटे छोटे चंक्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा बटर स्कॉच बन के तैयार है। तो अब ये सारे चंक्स हम जो हमने क्रीम बना के रखी थी ना उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये चंक्स ही मेन होता है बटरस्कॉच आइसक्रीम में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने इसको बिल्कुल मार्केट वाला बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है। यहाँ पे आप बटरस्कॉच एसेंस भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने अवॉइड किया है। तो अब ये हमारा बैटर बनके तैयार है आइसक्रीम का। इसको हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़े से चंक्स इसके ऊपर भी डालेंगे। इससे देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऐसा जैसा मार्केट से लेके आए हों, और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसको डीप फ्रीज़र में हम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट रख देंगे। ओवरनाइट हो चुकी थी, देखिए मैं अगली मॉर्निंग इसको आपको खोल के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से हमारी आइसक्रीम सेट होके रेडी है। चलिए इसको अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर्विंग के लिए। तो मैं आपको अभी इसे स्कूप आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से स्कूप हो रही है और बहुत ही क्रीमी और माउथ मेल्टिंग हमारी बटरस्कॉच आइसक्रीम घर पे ही तैयार है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है इस आइसक्रीम को घर में बनाना। तो अब मार्केट से क्यों लाना जब घर में ही हम इतनी टेस्टी आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोस में और भी कई सारे फ्लेवर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा मेरे चैनल पर और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजी है होममेड वनीला आइसक्रीम और बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाना। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग से एक और नए फ्लेवर के साथ। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज। बाय बाय फ्रेंड्स, एंजॉय योर बटरस्कॉच आइसक्रीम एट होम।